नमस्कार चाषी भाई माने एग्री फार्म ओडिशा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल उपरे क्लिक कर दियंतु एवं चाष संबंधी नुआ नुआ लेटेस्ट वीडियो आगो को देखंतु। तेबे दर्शक बंधु आमे तो मीठा आलू कथा सुनितु ओडिशा रे आरो माने चाहिदा भी बहुत भलो अछि किंतु मीठा आलू विषय रे चाष केमती होउछि आज आमे वीडियो रे जानिबु। तेबे दर्शक बंधु नमस्कार, मु प्रणव पुनि थरो स्वागत करछि आपनको यूट्यूब चैनल एग्री फार्म ओडिशा को। तेबे दर्शक बंधु आज आमे गोटे केसर आलू जोटा कि आम यही अंचल आम केसर आलू कहा तो आपंकर अंचल कौन कह केसर आलू को आम कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर जनइबे। तेबे दर्शक बंधु आज आम गोटे केसर आलू फील्ड में पहुँचु जो थे आम देखू आपको केमती आमर केसर आलू ये चाष होड़शा। तेबे दर्शक बंधु आमर केसर आलू बाबद जानापी भिडटी स्किप नक प्रथम शेष पर्यटन देखु। तबे दर्शक बंधु आम जो मीठा आलू कथा कहतलु तबे आज आम जड़े चाषी भाई सहित भेटीचु और आज पचारि बुझु केमती मीठा आलू चाष करा संपूर्ण बरणी आज पचारि बुझु। तबे आपको भाई नमस्कार। नमस्कार। आमर एग्री फार्म ओडिशा यूट्यूब चैनल को आपको मुझे स्वागत करुच्ची। तबे आमर जो ये मीठा आलू को आउ कौन कहा एटा को चीनी आलू भी कहा शकरकंदा भी कहा ब्रह्मपुर साइड को आमर एटा बेसी जाउची ब्रह्मपुर साइड रे शकरकंदा कहा जाउची। तबे आपनकर टिके परिचय टिके दर्शक बंधु मानको दियंतु आ एकर टिके ठिकाना टिके कोंतु। मो ना हला सुनील कुमार महंत, घर हला नवीन मुंडाकटा आ मयूरभंज जिला। मयूरभंज जिला आमर चाष हला 20 वर्ष पाखा पाखी हो गलानी एटी चली छी एटी अल्प टिके अछि आमर चाष अछि जामसळ साइड रे सेठी आपनकर तले आपनकर केते एरिया एठी चासो प्राय होउ छी एठी प्राय हे जाउ छी आपनकर 100 एकर पाखा पाखी हबो चासो तले आपनकर 5-6 जण खने मिसि कर करू छू। अच्छा तबे आपनकर जो एई भले मीठा आलू चासो केते वर्ष होलानी करलेनी? हां 20 वर्ष पाखा पाखी होलानी। तबे हमर जो मीठा आलू आमे तो चासो करू छू तो मीठा आलू पई हमर कोउटा मुख्यतः माटीटा भलो हेतै हमर एटा मुख्यतः पटु माटी जोटा माटियाल माटी आमे उडिया रे कहो। अच्छा आओ ये मटी रे ही भलो हुए। तबे आम तो चाष करूचे प्राय आम गोटे निहाती जानवा दरकार जे आमर गोटे एकर रे जदि आकु धरा जाए तले जो माने मार्जिनल फार्मर अछंती गोटे एकर जदि चाष करूचंती तले गोटे एकर रो आमर मीठा आलू केते अमल देथाय एवं केते लाभ करि परबे से माने? आइया गोटे एकर कहले आमे सेटा तो आमे कहि परबानी गोटे एकटा उडिया रे आमे जानि छे गोटे एकटा को हला डेढ़ माण। आइया डेढ़ माण रे आपनकर लागिवो मुंजी सेटे लागिवो 40 किलो आउ से हला 50-55 भितरे मुंजी लागिवो। तो सेठी आमे डेढ़ एकर भितरे आमे लाभ पाइबा जदि आलू भलो भाबरे जतन टिके नैथिबे बा भलो हेथिबो हरहरी 40-50,000 टंका आमे गुटे एकर रे पाइबा लाभ 3 मास भितरे माने 90 दिन भितरे आमे लाभटा सेतिकी पाइबा। तो माने एटा बहुत भलो लाभ मधे दउ ए लाभ एटा एते खेती नुए जे वर्षा पवन हला को याको खाई जीव कि नष्ट हो जीव से सब जिनस नुह ये जिनस हला खेती हबार ना ये लगे मैंने ही चाषी नले किसी नले भी मूलटा ले पाइब जदि से अधिक लाभ चाहब जदि आलु अधिक हो से अधिक पैसा पाइब 40-50,000 गोटे एकर पाइब से हेले आम प्रथम तो जो चाष करा पूर्व आम तो जमी प्रस्तुत करता हूँ कि मीठा आलू पाई आम कमी जमी प्रस्तुत प्रथम कर प्रथम हल करा जाए आपणकर उड़िया मसर है बैशाख मस रु आम हल करदे हल कर सारापर मसे दुई मस खंडे रहा घास मरा गोटे अच्छी आपणकर एक्सेल कहते डबल एक्सेल स्प्रे करदेलु घास मरीगला। हाँ मरीगलापर से जमी में आउ हल फल दरकार नापर आम हिड़ टेका प्रस्तुत करूँ माने एटा को आमे रिच फोड़ो मेथड रे जोटा कहा रिच फोड़ो मेथड रे आमे एटा को चाष करता माने खालो डिपो इनकी लाइन सेम करा लाइन लाइन करा तबे आमर जो आमर जदि उड़िया मास रे तो आमर कहले बैशाख मास करचंती तबे जदि आमे इंग्लिश मास रे कहबा तले आमर सेटा अगस्त मास प्राय होउची अगस्त मास रे सेटा लगाणिया होउची लगाणिया हे होउची तले लगाणिया पाखरु आमर अमल जाय केत दिन लागियो छाकु याकु 90 दिन 100 दिन पाखा पाखे लागि जाउची अमल जाय अमल जाय तो आम केमती जानवा जो अमल हो गला बोली गछ से माटी आपे फाटी जीवो फाटी गला फाटी गला परे ताकू इचारी के टिके देखबा पई हो माटी को जे प्रकृत रे बळी छना नाही
जदि सैज आसीगला ताको आमे खोलबा आरंभ करू तबे अमर तो ओडिसा रे एटा एते भी चास होउनी किंतु एटा को को भले भाव रे करले एटा को माने भलो चासी भाई माने प्रिफर करि परबे ई चासो डक सरकार किछि टिके सहायता करला माने आउ टिके उन्नति धरण हेइ परिबो आज्ञा तबे आपनकर जो ए मंजीटा एटा को किसम रो आपन लगैथले जो केसर वाला एटा आपनकर 3 4 प्रकार मंजी अछि आज्ञा विचित्रा गुटे अछि चक्रमार्का गुटे अछि आम एटा वेस्ट बेंगल रु मगे थौ आज्ञा काई कि आमर एठी प्रोडक्ट नै आमर ओडिसा रे किबा ये पाखा पाखी आम प्रडक्ट ना आम बेंगल एटा है एक्चुअली या चाष है बेंगल बेंगल रु आम एटा को सिकिकिना आम ओडिसा रे करछु आज्ञा तबे आमर जो चासी भाई माने अछंती तो मुख्यतः से माने कोठु माने बिहनटा को कलेक्ट करि परबे एमती किछि माने गवर्नमेंट किछि एटा रे किछि सहायता दउछि किबा आमर जो मंजी दुकान किछि अछि जो भी अंचल ले सेटु जाई कलेक्ट करि परबे आला पर हमठु अधिका लाभ टिके नउछि यदि गवर्नमेंट सेटा को हमकु सहायता करथांता जे मुजीटा को हला हम गवर्नमेंट पाखरो हम किनि थांतु किनला पने हम टिके कम रे पाइथांतु किंतु से दुकानि तो छाडुनि ना दुकानि टिके बेसी रेट नै नउछि आज्ञा ताबळे टिके हमकु बेसी पैसा टिके खर्च होइ जेतु एठि माने अवेलेबल नै सेति पई मधे माने से अधिका पैसा माने गवर्नमेंट चाहिले से जुआडी ना जुआडी होले भी सप्लाई करके आनी करी चासी मन को जोगई गवर्नमेंट जदि एटा रे आंखिया नजर रे आसे ताले गवर्नमेंट एटा उपरे काम करबी से एटा को प्रमोट करि पारे माने चासोटा बहुत बढ़िया चासो एटा की जोडे की माने मार्केट रे भी तारो भलो लाभ डिमांड अछि डिमांड रहू छी तो भाई ए जो चासो आमे करू छे प्राय आमर रोगपोक तो सब फसल रे रही छी किंतु आमर मिठावळे प्राय कोन रोगपोक सेमती रही छी रोग विशेष सेमती किछि नै आगे तो मेन टिके फास्ट ही ताको ट्रीटमेंट टे करिया पई हबो आज्ञा माने माने एटा रे कोन मुख्यतः रोग समिति देखाउ मुख्यतः रोग कहले यार टिके नालिया अंश आसे पत्र नालिया हबो पत्र जळी जीवो आज्ञा किंतु तार औषध अछि औषध स्प्रे कर देला बेलू एतेटा तार माने आउ पत्र पुडा जळा आउ हळदिया हबार संभावना नै आज्ञा तबे आकु जो आमर बिक्री कराउ छी तो बिक्री आमर तो व्यापारी प्राइस कौन रोचे आ मार्केट डिमांड केमती रोचे आ तार प्राइस कौन रोचे मार्केट डिमांड कहले आमर एठी कटक भुवनेश्वर एते जिनस खांतिनि बा आमर मयूरभंज रे एते नाइ तो गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे आमर एटा जिनस बेसी चालू छि ब्रह्मपुर जोटा कोन माने गंजाम मार्केट रे आकु बेसी यागो बेसी यार बिक्री करछो चायदा बेसी किबा यार पैकारी सेठी बेसी आ माने खाउकी जोटा कोनती खिया पाटी एटा खाउकी लोक भी सेठी बेसी आज्ञा ब्रह्मपुर तबे आर व्यापारी प्राइस आप कौन रही व्यापारी प्राइस कहले ब्रह्मपुर आसुच्च ब्रह्मपुर नहीं कि ट्रक मैंने प्राइस कौन रही रेटा तो आज्ञा रेट कहले तीस टाँग पैंतीस टाँग यह रेट अच्छे मैंने मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस जदि आम व्यापारी प्राइस देखा तो व्यापारी अच्छी आपंकर 20 टाँग 25 टाँग यह अच्छे बेस 10 टाँग लाभ चलू आज्ञा तेज आमर जो मान भल अमल किसी आपको विटामिन दिया किंबा किसी माइक्रो हार्मोन किसी एमती किसी दिया बढ़िया तार विटामिन गोटे अच्छे आज्ञा रुद्राक्ष गोल्ड कहते आज्ञा रेट भी नुह हाँ अल्प रेट अच्छी तार मार्जिन है आपंकर 250 टाँचा आपंकर 100 ml 150 ml को आज्ञा गच मैंने मार से आपंकर चली तीन एकर दी एकर पाखापाखी चली गोटे आपंकर ये मानने शिशु जोटा औषध अच्छी बोतलटा तीन एकर प्राय तीन एकर पाखापाखी चलो तेज आपंकर बहुत भल लाभ हो देख आज्ञा कि आमशारे भी आम चाषवास हो ना कि जदि कौ नुआ चाषी मैंने भाई भाई मैंने अच्छा से मैंने करवाई चाहते आज्ञा तो आप कौन कहे ये चाष चाष करते चाष एट भल यार एते खर्च ना जहाँ खर्च करेंगे थे करेंगे आउ यार पानी टिके बताणिया अच्छी पानी मड़ेवाई हम माटी शुखला शुखीगला या पा बतवाई हम पानी आपंकर थे दु थर बतला मैंने होगा जदि वर्षा से भितर होगा तेल पा मतवाई हम ना तो प्रायत आप वर्षा पापे हम डिपेड कर पाई टे डिपेड कहीं जिनसटा है पा जिनसटा तले अगस्त मस लगे प्राय अमल तो तीन मास परे माने ठंडा टाइम शीत ऋतु ठंडा टी खोजे जिनस आज्ञा जो मैंने बड़े सी अमल कराए तो से टाइम टाइम ठंडा ऋतु प्राय होता है आज्ञा क्या ठंडा ऋतु हम ये टाइम ऋतु केवल ठंडा ऋतु हम यहाँ हम आज्ञा तो आउ गोटे कथा जोटा आम सार परिचा केमती रोचे गच लगे पाखर अमल आप फास्ट जो बिल मुझे आगुरी कही थी जो बिल हल कर रखा ही थोड़ा एसप्रे कर दिया घास मरा टाइप रोटे डबल एक्सेल बोल कहते मारिदे मारापर जिते लगाणिया अगस्ट मस को हम से सार प्रथम सुपर ग्रोमर पटाश
ଆଉ ବାଲ୍ଟି ଜେସ୍ମିନ୍ ଗନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଅଳ୍ପ ଦାମ୍, ସେଇଟା ବେଶୀ ଦାମ୍ ନୁହଁ। ତାକୁ ମିଶାଇକିନା ଗୋଟେ ଏକରରେ 4-5 ବୋରା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ବିଶେଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ନାହିଁ ଆମର ସାର ପରିଚାଳନା। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ମିଠା ଆଳୁ ଚାଷଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲରେ ଭାବରେ ଅମଳ ପାଇପାରିବା କିମ୍ବା ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ମିଠା ଆଳୁ ଚାଷ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବି ବୁଝିପାରିଥିବେ ସେ ଭାଇ ଯାହା କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆମର ଏଗ୍ରିଫାର୍ମ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିଠା ଆଳୁ ଚାଷ ଉପରେ ତ ଭାଇ କହିଲେ ଶୁଣିଲେ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ମିଠା ଆଳୁ ଚାଷ କିପରି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, କିମ୍ବା ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାने ମିଠା ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୂଆ ଆଣିବି ତେବେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କ୍ୱାରି ଥିବ କିମ୍ବା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଖାଲି ଅଛି, ଆମକୁ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଡାଟା କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଅଛି, ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, ନମସ୍କାର।